हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर थ्री प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, राइट फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। हमें पांच ऐसे पेयर ढूंढने हैं। पेयर का मतलब होता है दो नंबर, ठीक है, दो अलग अलग नंबर होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए, वो भी 20 से कम, जिनको जोड़ने पे पाँच का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, ठीक है। तो वो ऐसे नंबर पहले हम वो देख लेते हैं जिनका में पाँच का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। नंबर डिविजिबल बाय फाइव आर, वो नंबर जिसमें पाँच का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, जैसे कि पाँच जो पाँच की टेबल में आते हैं उन सब में पाँच का डिवाइड चला जाएगा। 10, 15, 20, 25, 30, 35, सारे नंबर, ठीक है, जो पाँच की टेबल में आते हैं इनमें पाँच का डिवाइड चला जाता है। तो यानी कि हमें दो ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने पर इनमें से कुछ भी बन जाए, क्योंकि इनमें से कुछ भी बन जाएगा उसमें पाँच का आराम से डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्राइम नंबर लिख देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें या तो खुद की टेबल का डिवाइड जाएगा या वन का जाएगा, उसके अलावा और किसी टेबल का डिवाइड नहीं जाएगा। तो प्राइम नंबर हमें कहाँ से लेने, 20 से छोटे, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये नंबर होते हैं प्राइम जो कि 20 से छोटे हैं। तो आप कोई से भी दो नंबर लो, जोड़ने में पाँच का पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। तो चलो वन बाय वन करके ट्राई करते हैं। जैसे मैंने लिया 2 + 3, दोनों को जोड़ा, कितना आया 5, 5 तो इसमें आता है, यानी 5 में 5 का डिवाइड चला जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो एक ऑप्शन हमारा कौन हो गया, 2 और 3 हो गया। सेकेंड देखो, और जैसे मैंने इसमें ले लिया 7 + 3, 3 + 7 / 5, दोनों को ऐड किया 10 आया। 10 देखो 5 का मल्टीपल है, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, 5 × 2 = 10, कितना हो जाएगा 3 और 7, एक ऑप्शन ये हो जाएगा हमारे पास। और देखो सी पार्ट, जितने बने आपको बनाने हैं इसमें से, ठीक है। देखो 2 + 13 / 5, दोनों को जोड़ा, कितना है 15, 15 तो आता है पाँच के डिबल, मतलब 5 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, 5 × 3 = 15, तो कौन हुआ 2 और 13 हो गया। डी देखो 13 + 7, दोनों को जोड़ा 20, 20 तो 5 के डिबल में आता है, 5 × 4 = 20, तो आंसर हो गया 7 और 13 हो गया। डी पार्ट हो गया हमारा। डी के बाद देखो ई पार्ट करेंगे हम। ई पार्ट करने के लिए 3 + 17, दोनों का जोड़ कितना है 20, 20 में तो 5 का डिवाइड चला जाएगा, कितना आएगा 4, तो आंसर आ गया 3 और 17। देखो कितने पेयर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेयर बन गए, ये तो हमें निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला फिल इन द ब्लैंक, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड, ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया प्राइम नंबर होते हैं उनमें या तो खुद की टेबल का डिवाइड जाता है या वन का जाता है, तो यानी उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। तो यानी कि ऐसा नंबर कौन होगा, प्राइम नंबर होगा जिसके कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर आंसर में मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर, क्योंकि दो नंबर का डिवाइड जाता है, तो यानी वो दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर, क्लियर। अगला, अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड, यानी जिसमें अपने अलावा किसी और नंबर का भी डिवाइड चला जाए, यानी वन और अपने अलावा, जैसे मान लो 4 है, 4 में 2 का डिवाइड भी चला जाता है, 4 में 1 का डिवाइड भी चला जाता है, 4 में 4 का डिवाइड भी चला जाता है, तो यानी मैं 4 में 4 का तो जा ही रहा, 1 का भी जा रहा है, इसके अलावा 2 का भी जा रहा है, तो यानी क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कंपोजिट नंबर, क्लियर। अगला, वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम में काउंट किया जाता है ना कंपोजिट में, क्योंकि प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद बाकी के सारे नंबर कौन होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि हमें एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल बना के दे रखी है, ठीक है, जिन पे क्रॉस लगे हुए हैं वो सारे कौन है, कंपोजिट नंबर, जिन पे सर्कल लगे हुए हैं वो है हमारे प्राइम नंबर। लेकिन वन ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम में आता है और ना वो
कंपोजिट में आता है, यानी प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए, यानी 2, 3, 5 जिन पे सर्कल लगे उनको छोड़ दिया जाए, उनके अलावा बाकी जो नंबर बचते हैं वो सारे के सारे कौन है, कंपोजिट नंबर है सिवाय वन के। ना ये तो प्राइम में आता है और ना कंपोजिट में आता है, लिखा हुआ है क्रॉस आउट वन बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वन हमारा क्या होगा, ना तो प्राइम होगा ना ही वो कंपोजिट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगला पार्ट देखो, बोला गया है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 से। देखो मैंने यहाँ प्राइम नंबर लिखा ना, शुरुआत कहाँ से की है, 2 से, तो इससे 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। अगला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर की बात की जाए, जैसे मैंने बोल दिया जिन पे सर्कल लगा हुआ वो प्राइम नंबर है, तो ये तो कंपोजिट नहीं है, ये भी नहीं है, तो सबसे पहला नंबर कौन आया, 4 आया, 4 हमारा कौन होगा, कंपोजिट नंबर होगा सबसे छोटा, यहाँ पे आंसर आ गया 4, ठीक है। अगला पार्ट आता फिर हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर होता है जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो अगर हम काउंटिंग की बात करें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से काउंटिंग की बात करें, तो 1 में तो 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता, 2 ही एक ऐसा पहला नंबर है जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, 2 1 2, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन होगा, 2 होगा, क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।